जय सीताराम, राम राम जय राजा। बहुत पतला पतला रास्ता है ये और इसमें बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक जगह तो मैं स्लिप भी कर गया। भाई अभी हम लोग सबको यहाँ पे समधि मिलन के लिए अब जा रहे हैं। दीदी यानी क्या करें? ऊपर कैमरा आपके ऊपर है। हो गया राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। फ्रेंड्स सुबह के 9 बज गए हैं और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। शादी संपन्न हो गई है और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर, तो विदाई वहीं से होगी। तो अभी सारे लोग लोड होंगे गाड़ी पे। तो ये तनीषा पूरी रात जगी है, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक, और अब ये उठ नहीं रही है। पापा में चिपकी हुई है। नीचे मुड़ के देखिए ना, ओ बिट्टू मुझे लवली रे पीछू से हो गया हो गया। रहने दीजिए, अंजनी भूलिया ना हमारा।
The next morning. गाइज अभी आज सारा फंक्शन वगैरह खत्म हो जाने के बाद मैं जो है अपने फैमिली नहीं मतलब अपनी दीदी और अपनी भांजी के साथ और अपने भांजा के साथ अपने पैतृक गांव यानी कि सगुनिया रविडी भागलपुर में मैं आया हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए कि मतलब कहाँ पे समाधि बनी है, कहाँ पे कैसा घर है हम लोगों का। तो एक्चुअली मेरी भांजी भी जो है शुरू से रही है शहर में ही, तो ये जगह लोगों को थोड़ा यूनिक लग रहा है, मतलब बड़ा सा अच्छा सा लग रहा है कि मतलब ऐसे भी लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हमें भी अच्छा लगता है कि कोई हमारी गांव की तारीफ करे, तो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, काफ़ी कुछ काम भी है, आज रिसेप्शन में भी जाना है भांजी के रिसेप्शन में दुमका। गाइज अभी सबको हम लोग मैं जो है दिखाने ले जा रहा हूँ मेरे पिताजी की समाधि यानी कि नाना जी की समाधि। और ये देखिए कितना ग्रीनरी है, तो बिल्कुल खेत की पगडंडियों पे चलते हुए हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। अब इतना पतला पतला रास्ता है, इसको बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अरे फंस गए बहुत पतला पतला रास्ता है ये, और इसमें बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इस जगह तो मैं स्लिप भी कर गया। तो यह है कि पिताजी ने मेहनत किया और पिताजी मेहनत करके पहुंच के बोकारो, वरना मैं भी अभी इधर ही कहीं आप लोगों को खेत कोड़ते हुए मिलता तो सारा श्रेय जाता है मेरे पिताजी को, वरना जितने भी मेरे चचेरे भाई हैं सब अभी ऐसे ही हैं और मैं आप लोगों के सामने आईफोन से वीडियो बनाते हुए दिख रहा हूं, तो इसका सारा श्रेय जाता है मेरे पिताजी को। एक समय था जब हम लोग इसी कुआं में हम लोग मतलब कुआं में नहीं कुआं के बाहर साइड में नहाते थे, यहीं से हम लोग सारा चीज़ चलता था, क्योंकि ये सामने आप जो देख रहे हैं ये गांव है हमारा और उसी रास्ते से ये कुआं जो है नज़दीक पड़ता है। कुआं से पानी पीना बंद हो गया तो फिर इस कुएं से पटवन का काम किया जाने लगा। अब इतना पटवन किया कुआं ही सूख गया। तो ये चीजें अब कहाँ दिखती हैं शहरों में, बस यादगार की अवस्था में कुछ सालों के बाद ये भी भर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा उसके बाद। ये देखिए सामने से मेरे भैया चलते हुए आ रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दीदी यहाँ पे जो है मिर्ची तोड़ रही है। तो ये मिर्ची कहाँ ले जाएगी यहाँ से? सुगा के पास। तो यहाँ पे पूरा आसपास जो आप देख रही हैं पूरा मिर्च का ही खेत है पूरा ये। तो यहाँ पे ये वाला पूरा मिर्च का खेत। हाँ पूरा ये मिर्च का ही खेत है, एकदम बिल्कुल ताजा मिर्ची तोड़ी है एकदम ऐसा मिर्च रहता है ना कि एक बार दांत से काटेंगे ना उसका जो रस है वो मतलब जो पानी है पूरा मुंह में फैल जाएगा, हर जगह तीखा तीखा कर देगा। हाँ हुआ नहीं है, तुम लोग तोड़ी होगा तोड़े खिलाई थी वहाँ जो जिसका खेत है वो बोलेगा अपना ही तो है, अपना ही तो है, सब अपना ही है। ये कुछ और है, ये खीरा है ना। झिंगली जिसको तुम दिल्ली के भाषा में नेनुआ बोलती हो? नहीं मैं झिंगली बोलती हूँ। नेनुआ नेनुआ नहीं उधर परवल बोलता है नहीं पर, हाँ झिंगली झिंगली परवल। ये लो जूम करो यार, ठीक है। हाई न्यूट्रिशियस फूड जो सूख जाने के बाद वो बनता है ना, नहाने के काम आता है, रगड़ने के काम आता है स्क्रबर। हाँ यहाँ पे ना गांव में एक बीद होता है, बीद मतलब रसम होता है, कुआं से पानी भरने वाला रसम, और ये ऐसे कुएं में हो रहा है जहाँ पे पानी है ही नहीं, पूरा पानी सूख गया जो मैं भी आपको दिखा रहा था जो हाँ जो कुआं आपने अभी पहले थोड़ी देर पहले देखा, तो अभी दिखा रहा हूँ ये रसम होता कैसे है। और ये शादी भी हमारे घर की ही है जो आज हो रही है यहाँ पे, मेरी भतीजी लगेगी उसी की शादी है, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस शादी में मैं रह नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे और भी कुछ काम है और काफ़ी ज़्यादा छुट्टी में मैं यहाँ पे आया हुआ था। इधर से चलो, एक ये भी रास्ता जा रहा है, हम लोग अभी इधर से ही निकलते हैं अभी हैं। हाँ ये हम लोग आ गए पूरा प्रॉपर अपने गांव में, ये यही गेट है ना, ये बंगला हुआ ना, ये दादाजी का था, ये यहाँ पे दादाजी का रूम था। जाओ अंदर देखना कौन टू अच्छा हाउ टू एकदम मेरे साथ आगे चलो दिखाते हैं अंदर। ये
अंदर खुला से हां खुला है आ दिखा ले जा लग लो जरा खोल पड़ तो अच्छा चाबी नहीं है ना ना बंद है ये बस सोच ले यार ऐसे बनता है ताला फेल है ये गाइस क्या हाल है ये देख उधर रीता जो नहा रही है ले तेरा बैठ गया नाइस सब हम भाई ने हो गया दो भाई गए अच्छा अच्छा हां 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 अरे सब बहुत छोटी से मीना वाले मीना बचने छी हां ऐसे आ वाला ये सब छोटा में तक बचे हैं हमरा पहले पूछी ले जान पहचान भाई को पता है करना करता नहीं चाचा चालक तुम कर ले ना ना रिंकू रिंकू के हाय रिंकू रिंकू बच्चा का नाम नहीं खबर है खुश रहो और जूली होला आईने आरो भाई बोलियो देख रही है कितना रिस्पेक्ट है कैसा फील हो रहा है तुमको मतलब अपना एक्चुअल नानी नानी घर घूम कर कैसा फील हो रहा है तुम्हें कैसा लगा एक्चुअली नाना घर हुआ नाना जी से मिली बिल्कुल नाना जी से मिली नाना जी बहुत खुश हुए आज भी आए कि मैं फिर आऊंगी हाँ नाना जी को बोल के आई और नाना जी भी बोले हैं कि आते रहना रत्ना यहाँ पे बार बार रत्ना नहीं बोले हैं तो? रतन हाँ वही तो थे कितना भी कोई पूछो वो रतन ही बोलते थे रतन आम बहुत उनको मतलब था कि मतलब रत्ना आई है तो आम लेके आओ आम सब कुछ क्या क्या पसंद है बहुत ध्यान रखते थे तो अब की बार आइए तो नाना जी आम भी रखेंगे साथ में अरे वो इसके आने से ना मतलब वो उनका तबीयत ठीक हो जाता था ऐसा जादू है नहीं तभी भी वो बहुत अच्छा बहुत खुश हुए होंगे वो भी और अब की बार नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो और भी ज्यादा खुश होंगे अगर कोई इसके बारे में बोल दे इसका ये खराब है इतना वो तुम लोग कैसा है उससे तो अच्छा है इसका इसका बहुत अच्छा है इसका कुछ खराब नहीं है मेरे की तो बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आने के बाद और अच्छा है सभी बच्चों को पता होना भी चाहिए कि कहाँ कौन क्या है साल में एक बार कम से कम ना जैसे हम लोग ग्रुप में नहीं बैठते थे उनके रहते हुए ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग ग्रुप में ही बैठ के बात कर रहे प्रेजेंस तो हमेशा रहता ही है वो तो हमेशा अंजनी की शादी में भी था तुम्हें पता चला तभी इतना सब कुछ आसानी से हो गया वही हाँ मैं तुमसे बोल रही थी भैया बस बता रहे थे जो कितने लोगों का बना था और उससे ऑलमोस्ट कितना 2 टाइम ज्यादा 1.5 टाइम ज्यादा वही हम भी कहे ना कि मेरे लाइफ में तुम सोचो एक समय था जब पापा जब गए थे उस समय दीदी कितना स्थिति मेरा खराब था और पापा के जाने के बाद मेरा सडनली जो मेरा जो मतलब चेंज हुआ ना मेरा लाइफ मतलब कह नहीं सकती एक सुपर पावर आ जाता है हाँ और कहीं भी कोई तकलीफ नहीं सब कुछ बिल्कुल इजीली वे में निकल जाता है उस टाइम में जो हम लोग यज्ञ किए कभी एक्सपीरियंस नहीं लगता था कैसे क्या कर पाएंगे पापा साथ थे बोले कि चलो हम हैं करवा देंगे हम सब हाँ। सब अंगना बुरी का भी चलो ये मेरी भाभी ये मेरी बड़ी भाभी है ना देखो ना वो ये मेरी बड़ी भाभी है करो हाय करो चलो भाई आयो चलो खाना खा थोड़ा जल्दी में थोड़ा जाना है जल्दी में पहुंच ही था अरे अबे घर से हां घर थोड़ी कहां जाबे यही ले बे मरना बाद मुंह यही है बे नहीं ना ना ये बिल्कुल रोड पे जो घर है आप लोगों ने पहले तो देखा ही होगा फिर भी मैं दोबारा दिखा रहा हूँ
ई सब उखाड़ लो गाछी मिर्ची गाछ उखाड़ गेले खेतो में धनिया का गाछ कद्दू ले कहां जीते अभी डेरी का तो बीसी मनी बोली रहे चार वो की मम्मी वो के लिए याद आई भाग बढ़िया चले का ले लिया तब ना मैं और कर दिया सब तो पाई ऐसे बच्चा कहीं आया हो कि घर के पल्ला देख लो जय मैडम अभी वहाँ पढ़ा रहा हूँ अरे रुक अरे उस दिन उसके घर में गए थे बीत के लिए अभी यही है क्या अच्छा जाता देखिए अभी भी यहाँ पे ये जाता जो है यूज होता है चलाया जाएगा ना चलाया ना मतलब चला जाए नहीं मतलब वो कैसे देखिए ये जो है इसमें गेहूं की ग्राम पिसा जाओ सबसे पिसर मंदिर चावल किस्मा की दाल सब इसका दलिया बनाना दलिया सब कुछ इसमें जो है ये सब कुछ पिसा जाओ मिक्सर मतलब फेल है इसके सामने जब ये पिसेगा तो छोड़ दो नहीं यहाँ पे अभी भी जो है ये किचन जो आप देख रहे हैं अभी भी कोयला और लकड़ी से यहाँ पे खाना बनता है अभी भी और ये चापाकल हैंडपंप सारा कुछ यूज हो रहा है यहाँ पे अब ये चीज जो है अभी के घरों में आपको कहीं नहीं दिखेगा हाँ मतलब वो है ना बोले जी ना ये मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे गैस चूल्हा पे देखिए सब चाय वाय भी बन रहा है ऐसी बात नहीं है कि नहीं यहाँ पे लेकिन हाँ अगर आप टेस्ट लेना है बढ़िया तो यहाँ भी आप बना सकते हैं ये हम लोग अभी वीरेंद्र अभी किनके यहाँ आए हैं थोड़ा बताएगा वीडियो पे अभी आए हैं अपने बुआ के घर हाँ तो अभी जो है वीरेंद्र अपने बुआ के घर आए यानी कि मेरी दीदी की जो ननद है ना उनके घर पे सही बोले ना परफेक्ट हाँ तो ये है दीदी की ननद इन्हीं के यहाँ हम लोग आए हुए हैं पुत्र हैं मेरा फुफेरा भाई पूरा ग्रीनरी हर जगह यहाँ जहाँ देखे वहाँ आपको हरियाली दिखेगा ये देखिए ये जो है अब धान कटनी होने के बाद यहाँ पे धान रखा हुआ है इसके बाद इसको इससे छुड़ा करके फिर इस रूप में ये आएगा ये धान है और इसके बाद इसको मशीन में डालने के बाद यहाँ से फिर चावल बनता है तो चावल जो क्वालिटी हो जाए कैसे पता चले बासमती हो ले उसना हो ले पहचानो छुबी का देखी का अच्छा
है कौन ढोले तो साइज के डिजाइन है और 6444 है उसको बोल दीजिए। अच्छा 6444 ब्रीड का ये नाम है। अच्छा 6444 ब्रीड है ये। अच्छा इसका जो चावल होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुंह में जाने के बाद घुल जाता है, मतलब बहुत ही टेस्टी ऐसा कह सकते हैं। सुनो दीदी बताइए उसका नाम। सौरभ सीता। सौरभ सीता। सौरभ सीता चावल है ये। ये है सौरभ, ये सीता। नहीं नहीं नहीं, दोनों में से सौरभ अलग अलग है। जो ब्रीड बनाता है वो अपना नाम छाप देता है। अगर यहाँ पैकेट हम दूसरा पैकेट करते नाम ना बदले। हाँ 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 चलो चलो महालक्ष्मी लिखी। तो अब यहाँ पे रत्ना के लिए स्पेशल डिश लाओ, क्या है ये बताओ। सहजन का दाल है। दाल सहजन का दाल नहीं, साग बोली। साग नहीं, सहजन जो होता है ना उसका अच्छा। पत्ता देखो एकदम रियल फीडबैक देना है, अच्छा बुरा जो लगे वैसे ही बोलना है। बनावटी नहीं। गरम रियल रियल बिल्कुल रियल फीडबैक देना है, बनावटी नहीं। क्या है नमक ज्यादा? अरे नमक ज्यादा, टेस्ट की बात कर रहे हैं हम। दाल कैसा है? चावल इसके साथ में अच्छा लगेगा, मकई की तरह अच्छा लगेगा। चिप्स, मकई का चिप्स, कॉर्न चिप्स। वही देखिए, मतलब गांव में मतलब इस तरह के डिशेस जो है लोग खाते हैं तभी इतना हेल्दी रहते हैं। यहाँ बाहर की तरह नहीं कि बर्गर खा लिया और वो क्या कहते हैं उसको, खाती हो तुम बर्गर खाते, पिज्जा खाती है ये लोग, ये खाती है देखिए नहीं खाती जाता। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे लोग मतलब इतना हेल्दी। सोचिए अब सहजन का साग जो कि मतलब ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए सबसे कारगर जो लोग मतलब साग खाते हैं उसका यहाँ पे दाल खाया जा रहा है, तो लोग हेल्दी ही रहेंगे। तो ये रियल फीडबैक दी है, रियल दी है ना, किसी हम लोगों ने किसी तरह का जोर जबरदस्ती दबाव नहीं बनाया इसके अंदर फीडबैक देने के लिए। देखिए अब दीदी को भी अच्छा लगेगा। अब तुम पी के देखो बहुत अच्छा लगता है। मुझे सब शक हो रहा है। चलिए मैं भी अब पी के देखता हूँ। तो ये हम लोग अभी आए हैं, मेरी दीदी लगेगी, दीदी के घर पे हैं हम लोग। ये जीजा जी हैं यहाँ पे और ये उनका छोटा सा घर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बैगन, यहाँ पे है बैगन का पेड़, बैगन का गाछ। कहाँ है बैगन? अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये बैगन छुपा हुआ, बैगन लाल नहीं बैगन हरा। यहाँ भी है बैगन, अभी बैगन पकौड़ा खाया एकदम फ्रेश था। तो ये है गांव में रहने का फायदा, एकदम फ्रेश फ्रेश सब्जी। गांव आने का फायदा देखी, आशीर्वाद के रूप में मिलता है। हाँ तो तुम हो तो डबल, जैसा बच्चा वैसा आशीर्वाद। चलो खुश हो, चलो अरे खुश हो। गाइस हम लोग अब यहाँ से निकल के अब भागलपुर चलेंगे, भागलपुर के बाद फिर देखते हैं वहाँ पे कितना शॉपिंग करना है लोगों को, कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए मतलब जो है इस तरफ जो है अभी दूल्हा दुल्हन अभी है नहीं स्टेज पे, और ये लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, खाली जगह का पूरा यूज कर रहे हैं ये लोग। ये दोनों यहाँ पे आप देख रहे हैं साथ में। मैं नहीं हूँ यहाँ। ओ तुम ही हो, अच्छा सॉरी। देख रहे डांस कर करके पूरा। हाँ सही बात है, मजा आया ना। कितना खाई है जी? खाली है ना? हाँ और खाना है? नहीं इतना नहीं खाते हम, इतना खाते हैं।
ये देखिए वीरेंद्र का व्यवस्था हो गया, फाइनली वीरेंद्र भी खाना खा रहा है, अब ऐसा दिख रहा है पता नहीं दिल से खा रहा है। तो देखिए वीरेंद्र के खाने में क्या है, पूरी है और ये क्रिस्पी आलू, अच्छा क्रिस्पी आलू और ये पुलाव और ये दही के साथ जलेबी रसगुल्ला और ठीक है। तो ये मैं बता दूं आप लोगों के साथ पता भी होगा, ये जो है लहसुन प्याज मतलब यूज नहीं हो, मतलब नहीं खाता है बिल्कुल बिल्कुल, शुद्ध शाकाहारी में भी ये बिल्कुल वो है 10 नंबर वाला तो इसके लिए स्पेशल यहाँ पे तैयार किया गया है। देख ला बनी गला ना तेरा बेटा उसका खाना ऐसा हुआ पड़ेगी ऐसा होती है ना हमरो व्यवस्था छे अपनो Hey guys, good morning. तो सारा फंक्शन कल खत्म होने के बाद अब आज सारे गेस्ट घर से निकल चुके हैं, यहाँ तक कि मेरे भाई भी निकल गए यहाँ से। तो अब मैं भी अब देखता हूँ कब तक रुकता हूँ, जब तक जिया जी बोलेंगे रुकने के लिए तो बहुत जल्द मैं भी निकलूँगा। फिलहाल अभी मैं मॉर्निंग में भैया को छोड़ने गया था तो मार्केट से कुछ लेके आया हूँ जो कि मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेवरेट है। किसका? तो इसका पुनीता का। मैं दिखाता हूँ क्या है। तो भाई ये देखिए, ये देखिए क्या है जी, समोसा चाट। जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा इसको मन करता है खाने का वो आप यहाँ जाके मिला फाइनली, और इतना गला हुआ भी देखिए कितना चाव से खा रहे पैक करवा के लाए हैं। दुकानदार को मैंने बोला कि मतलब समोसा अलग दे दीजिए, चाट अलग दीजिए, सेव अलग दीजिए, पता नहीं क्या बुढ़वा जैसा दुकानदार था, सब मिला के एक में दे दिया। और मतलब लौंग लता इसके अंदर खोआ का फीलिंग है, खोआ का फीलिंग है और प्लस उसको फिर चीने के उस पर क्या बोलते हैं उसको जो गला हुआ होता है, चाशनी में डुबाया हुआ है वो। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? तो अच्छा, बुरे अच्छा लग रहा है। अजय जी जो है खाली बस देख रहे हैं, खा नहीं रहे समोसा दीजिए निकाल के जी, समोसा तो खाएंगे नहीं खाते बिना लहसुन प्याज वाला चिकन। दीदी को दीजिए, दीदी को लौंग लता को नहीं, बढ़िया लगता है। अच्छा सब जो है एकदम बिल्कुल बिजी शेड्यूल है सबका, तो जल्दी जल्दी सबको ब्रश करके जो हल्का फुल्का मिल रहा है खा पी के सब निकलेंगे अपने काम पे। उधर ही गए हमने फाइनली। अब जो है आज हम लोगों का यहाँ पे लास्ट डिनर है ना आज रात हम लोगों का लास्ट डिनर है, तो सभी कोई यहाँ पे डाइनिंग टेबल पर बैठ करके बात नहीं कर रहे हैं, सब अपने मोबाइल में लगा हुआ है। ये भी मतलब है आप सॉरी मूवी देख रहे थे ना? मूवी देख रहा था ना, मूवी में कहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पड़ा हुआ है बाप रे बाप। अभी तो कभी तुम आओ जैसे ये था ना, तो ऐसे इतना जबरदस्त डेंटी एक थप्पड़ बता था इतना भयानक सुपा जी तुम्हें मिले मार के दांत तोड़ दिए मरी दाते तो भी तुम्हारे पास एक दिन है हम लोगों के बस यही रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी चैन से जागना है तो सो जाइए। तो अभी
इसके ऐसे बोलते हैं ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ, चैन से सोना है तो जगे रहिए, चैन से सोना है तो जाग जाओ, अभी उठो। सकड़ा है, सकड़ा है। ये ज़्यादा है। तो अभी जो है वहाँ कीचर में देखिए लगी हुई है, छोटी बहू रही वहाँ पे लगी है। हम लोग क्या क्या डिश बना रही है हम लोग के लिए, हम लोग के लिए क्या बन रहा है स्पेशल? ब्रिंजल आलू। अभी एक हम लोग बस पे वीडियो देख रहे थे कि खाने में क्या बना है, मटर। आज क्या बना है? मटर। कल क्या बनेगा? मटर। परसों क्या बनेगा? मटर। ये मटर नाम के आलू को भी हो गया। ठंडी में खूब खाई है आलू गोभी, गोभी आलू, आलू गोभी, गोभी आलू, आलू गोभी, रोज चेंज कर करके, है ना? एक दिन आलू, एक दिन आलू गोभी, एक दिन गोभी आलू। अभी क्या बैगन आलू, आलू बैगन। तो मैंने आलू बैगन के साथ पराठा को मैंने सेलेक्ट किया है, बाकी इन लोगों के लिए। अच्छा रोन, क्या बस बस रोटी या पराठा? रोन पराठा क्या है सबके लिए? तब रत्ना भी खाएगी पराठा। मैं बस अकेले। क्या बोल रहे हैं? बोल रही थी कि मुझे 5 चम्मच घी डालना। 5 चम्मच घी? हम बोले दो रोटी खाओगे ना, तो बोली 5 चम्मच फिर और दो रोटी के साथ। बताइए इसको, इसको जो है ना रोटी दे दीजिए दो। अच्छा घी है कैसे? ये हम दीजिए मुझे कैसे किलो मिला? तो बोली कि 5 किलो लिए थे, 12-13 सौ रुपए था। बोले 5 किलो 12-13 सौ में? बोली कि 1 किलो का। सुनिए पता, कल मैंने जब दाल चावल खाए थे तो सुनो, जब मैं कल दाल चावल खाए थे ना तो उसमें पता है बड़ी मम्मी ने दाल घी गर्म करी थी, तो फिर ना तभी मैंने 5 चम्मच लिया थे घी। सही में सही भैया से पूछते क्या मैंने 5 चम्मच घी लिया था कि नहीं? लिया था। झूठ क्यों कह रहे हो? बस नहीं। अब इसका दांत तोड़वाना होगा तुमको यहाँ भेज देंगे, ठीक है? 2-3 थप्पड़ लगे और दांत झड़ जाएगा तुम्हारे। बैठो। नहीं। यहाँ देखिए वीरेंद्र अपना जो है सलाद तैयार कर रहा है। ये तो इस घर में इसी के हिसाब से खाना बनता है जिसमें लहसुन और आपको प्याज नहीं मिलेगा। जिसको भी सात्विक भोजन खाना पसंद है आप इससे संपर्क कर सकते हैं हिंदू राव हॉस्पिटल में। सात्विक क्वेश्चन, हाँ आपको अगर वो क्या कहते हैं घर पे अगर आप लोगों को कभी करवाना है, कभी भागवत कथा वगैरह करवाना है तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं आप। नंबर नीचे है डिस्क्रिप्शन में। हाँ नंबर है नीचे लेकिन वो दिखेगा नहीं आप लोगों को।